अभी एक और क्वेश्चन आता है, एक ट्रिक आता है, परसेंटेज में क्वेश्चन आते हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए वैल्यू, मतलब किसी भी वैल्यू में इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति, जैसे क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति दो टीवी सेट जो है वो 3600 रुपए में बेच देता है, 3600 रुपए में बेचता है, एक में 20% का प्राइस, 20% का उसको प्रॉफिट होता है, दूसरे में जो है 20% का लॉस हो जाता है। दो वस्तु को बेचा गया 3600 रुपए में, एक में 20% का प्रॉफिट हो गया, दूसरे में 20% का लॉस हो गया, तो उसका टोटल गेन या लॉस परसेंट क्या होगा ये निकालना है। तो इस टाइप के केस में क्या होता है कि किसी वस्तु का वैल्यू जो है पहले बढ़ जाता है और फिर उतना ही परसेंट कम हो जाता है, तो इस टाइप के केस में हमेशा डिक्रीज होता है, हमेशा कमी होती है। तो इसका ट्रिक क्या है वो बताता हूं कि इफ द वैल्यू ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय एक्स परसेंट एंड लेटर डिक्रीज बाय एक्स परसेंट, मतलब किसी नंबर के वैल्यू जो है वो एक्स परसेंट बढ़ जाता है एंड लेटर, और बाद में एक्स परसेंट कम हो जाता है, द नेट चेंजेस ऑलवेज ए डिक्रीज विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 100%। कि अगर किसी नंबर का वैल्यू जो है इंक्रीज करता है, पहले तो इंक्रीज करता है एक्स परसेंट और बाद में डिक्रीज हो जाता है एक्स परसेंट, बाद में एक्स परसेंट कम हो जाता है, तो जो नेट चेंज होगा उस वैल्यू में वो हमेशा जो है कम ही होगा, और कम होगा और किस रेशियो में कम होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 100%। ध्यान देने वाली बात यहाँ है, यहाँ दोनों परसेंटेज जो इंक्रीज हो रहा है वो भी और जो डिक्रीज हो रहा है वो भी बराबर होने चाहिए, मतलब कि जितना परसेंट इंक्रीज हुआ है उतना ही परसेंट डिक्रीज होना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन अभी आ गया क्वेश्चन आ गया कि माइकल सोल्ड टू टीवी सेट्स फॉर रुपीज 3600 ईच, गेनिंग 20% ऑन वन एंड लूजिंग 20% ऑन दी अदर, फाइंड द टोटल गेन और लॉस। माइकल ने दो टीवी सेट बेचा फॉर रुपीज 3600 ईच, मतलब दोनों टीवी सेट जो है 3600-3600 में माइकल ने बेच दिया, एक में उसको 20% का गेन हुआ और दूसरे में जो है 20% का लॉस हुआ, फाइंड द टोटल गेन और लॉस। तो ऐसे केसेस में अभी मैंने ट्रिक क्या बताया कि ऐसे केसेस में हमेशा जो है डिक्रीज ही होता है, मतलब लॉस ही होता है, तो ओवरऑल लॉस हमें निकालने हैं।
अब ओवरऑल लॉस जब इसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से हम सॉल्व करने जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप मेथड से क्या हो जाएगा कि दोनों टीवी का सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 3600 ईच है, मतलब 7200 रुपया हो गया दोनों टीवी का सेलिंग प्राइस। अब मान लेते हैं कि पहले टीवी का सेलिंग प्राइस जो है वो ₹1 है, तो पहले टीवी का सेलिंग प्राइस यदि ₹1 है, पहले टीवी का जो है कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदा हुआ प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस ₹1 है, तो सेलिंग प्राइस जो है 7200 है, ये कितना हो जाएगा कॉस्ट और प्लस कॉस्ट का 20/100, मतलब इतना 7200 इज इक्वल टू 6x/5, यहाँ 3600 करना पड़ेगा क्योंकि पहले टीवी का हम ले रहे हैं, दो टीवी का सेलिंग प्राइस 7200 है, तो दोनों टीवी का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो पहले टीवी का मान लिया कि ₹1 कॉस्ट प्राइस है, तो 3600 3600 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100, तो ये आ जाएगा 6x/5, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा 3600 इंटू 5/6, ₹3000 हो गया पहले टीवी का कॉस्ट प्राइस। फिर दूसरे टीवी का कॉस्ट प्राइस, ये मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड से बता रहा हूं, दूसरे टीवी का कॉस्ट प्राइस यदि मैं ₹y मान लेता हूं, तो सेलिंग प्राइस क्या है 3600 है, तो y माइनस y इंटू 20/100 ये हो जाएगा। तो हाँ, y/5 हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3600 इंटू 5/4, 4500 हो जाएगा, ये हो गया 4500 हो गया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो टोटल सीपी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 3000 और प्लस यहां जो आया 4500, 4500 कितना हो गया 7500, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 7200 है दोनों टीवी का, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 7500, तो खरीद हो गया 7500 रुपए का, बेचा 7200 रुपए में, मतलब 300 रुपए का लॉस हुआ। तो वही बताया गया है कि अगर इस टाइप से इंक्रीज और डिक्रीज, पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, और दोनों परसेंटेज, इंक्रीज का परसेंटेज और डिक्रीज का परसेंटेज यदि बराबर है तो ऑलवेज लॉस होगा, और लॉस क्या होगा ट्रिक के हिसाब से x²/100% का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 7500 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और 7200 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया, मीन्स कि 300 रुपए का लॉस हो गया, लॉस हो गया 300 रुपए का, और उसका जो है हमें परसेंटेज निकालना है, तो 300 रुपए का लॉस हो गया, लॉस हो गया 300 रुपए का, तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा 300/7500 × 100, ये हो गया 0.00025, मतलब 4% का लॉस हो गया। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप मेथड से, लेकिन जिसमें काफी टाइम लगा, लेकिन जैसे ही हम ट्रिक अपना लेंगे, जब ट्रिक अपना लेंगे जो कि कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रिक को अपनाना, तो ट्रिक को जब अपनाएंगे तो ये बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। तो इजी वे में बनाने के लिए और टाइम बचाने के लिए हमें ट्रिक हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो ट्रिक के लिए क्या मैंने बताया था कि अगर x% बढ़ता है और फिर x% कम हो जाता है, तो ये हमेशा जो है लॉस ही होता है,
एक्स परसेंट बढ़ा एक्स परसेंट कम हुआ तो हमेशा लॉस होता है, और लॉस परसेंटेज जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाई 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्स जो है 20% है, मतलब 20% बढ़ा है और फिर 20% घटा है। तो 20% बढ़ा और 20% घटा मतलब 20 का स्क्वायर बाई 100 मतलब 400, 20 का स्क्वायर 400 बाई 100% ये हो गया, मतलब 0.0004% एक ही स्टेप में आंसर आ गया इसका। तो हमें हर स्थिति में ये ट्रिक जो है याद रखने पड़ेंगे कि पहले एक्स परसेंट बढ़ता है फिर एक्स परसेंट कम होता है तो उस स्थिति में हमेशा लॉस होगा, और लॉस जो होगा वो एक्स स्क्वायर बाई 100% के रेशियो में होगा।